इंडियन बाइक्स ड्राइविंग सिटी के अंदर ये है टॉप छह मोस्ट रेयर बाइक्स जिनको हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर जा जाकर ढूंढना है और ढूंढने के बाद हम इनको चला पाएंगे। तो देखते हैं कितनी बाइक्स को हम ढूंढ पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। भाई पहली बात तो इतनी ठंडी में यहाँ पर ये पंखा किसने चला रखा है? भाई अभी बंद करते हो भाई, यहाँ पर ये कैरेक्टर अपने यहीं पर फ्रीज हो जाएगा। चलो खड़ गया बंद एंड वेट, यहाँ पर एसी भी चल रही है भाई, हद हो गई भाई, इसको किसने चला रखा है? खैर कोई बात नहीं, कैरेक्टर मर जाए तो टेंशन की कोई बातचीत नहीं। वेल गाइस, आपने जैसा कि देख लिया आज हम क्या करने वाले, काफी ज्यादा मजा आने वाला और लास्ट में हर एक बाइक तक आपको पता चल जाएगा कौन सी मस्त बाइक है, लाइक कौन सी बाइक को हम ढूंढेंगे। तो वेल सबसे पहले अपने पास स्कूटी मिलेगी सबसे स्टार्टिंग में और इसे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे लास्ट में जाकर लीजेंडरी बाइक मिलेगी। खैर सबसे पहले यहाँ पर देख ले तो कौन सी बाइक, ZX10R एंड इसकी लोकेशन ओके समझ आ गया भाई, ये कौन सी आपको शायद पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये लोकेशन अपना पार्को और चैलेंजेस उस साइड, तो चलते उसी साइड और देखते वहाँ पर कहाँ पर होने वाली, मतलब वह नॉर्मल नीचे तो नहीं होने वाली, मतलब कहीं पर ऊपर ही होगी, तो देखते। वैसे गाइस स्कूटी को काफ़ी कम चला हीरो प्लेजर इस गाड़ी को मैंने लिटरली, देखते भाई। वेट ये क्या था, अभी ये अभी गायब हो गया कैरेक्टर, वोट अभी फिर से आ गया, अभी ये तो कुछ नया देखने को मिला भाई, ये लिटरली ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैं नॉर्मल फर्स्ट पर्सन करके चला था लेकिन ये तो कुछ अलग ही हो गया भाई, ये कैसे हुआ भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी नहीं हुआ भाई, पता नहीं उस टाइम कैसे हो गया भाई, आपको पता हो तो बताना ये कैसे हो गया था। खैर गाइस यहाँ से अपने को ऊपर जाना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पर मस्त जंप लगाकर ऊपर चले थे, काफ़ी बढ़िया, नीचे नहीं गिरना ओके भाई इसी साइड से, अरे भाई ये तो नीचे गिर गया, शिट कोई बात नहीं गाइस, एक और नेक्स्ट ट्राई करते हैं। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ उस साइड से नहीं जाया जाए, यहाँ पर ये जो मिलता है रैंप इससे चलेंगे तो ये थोड़ा सा इजी हो सकता है शायद, लेकिन भाई मेरे को लग रहा है यहाँ पर जंप करना पड़ेगा और अपने पास हीरो प्लेजर जो कि आई थिंक स्लो काफ़ी ज़्यादा है के जंप कर पाएगी। गाइस थ्री तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 लेट्स गो, प्लीज़ यहाँ पर जंप कर लेना ओके भाई, लीजेंडरी भाई हीरो प्लेजर ओपी, कॉमेंट कर दो भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये चली जाएगी भाई, मस्त है भाई। चलो गाइस अभी अपने आगे जाना क्योंकि वो रेड कारपेट था, लाइक रेड कंटेनर था एंड वो कुछ इसी साइड, मेरे को पता इसी साइड है क्योंकि राइट साइड तो ऐसा कोई है ही नहीं। ओह वेट नीचे नहीं जाना भाई, क्या बचा भाई, ये गाड़ी मस्त है भाई, मेरे को लगा बिल्कुल पिद्दीस होगी लेकिन ये तो काफ़ी मस्त भाई, कुछ भी बोलो। एंड ओके ये रही अपनी ZX10R, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी बाइक यहाँ पर, तो चलिए भाई अभी इसको लेकर चलते हैं। एंड इसका क्या काम भाई, इसको नीचे गिरा देते भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, जिस लकड़ी ने तुम्हारा बुढ़ापे में साथ दिया उसको नहीं छोड़ना चाहिए। खैर चलो भाई अभी यहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, इसको लेकर चलते जल्दी से अपने नीचे चलते, नहीं गाइस नीचे यहाँ से नहीं जाएंगे गाइस, अगर मैंने इसको इससे आने से पहले क्रॉस कर लिया लाइक कर देना, ओ भाई कर भी लिया मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी। एंड वेट भाई ये क्या हुआ, अभी मैंने जैसे ब्रेक प्रेस किया मून ग्रेविटी एक्टिवेट थोड़ी भाई, जो कि ये उड़ने लगी, पता नहीं उड़ने कैसे लगी, चलो कोई बात नहीं, अगर नीचे नहीं गिरना चाहूँ प्लीज़, अरे भाई नीचे गिर गया। खैर कोई बात नहीं गाइस, अभी नेक्स्ट बाइक देखते हैं ये कौन सी होने वाली, लेट्स गो। ये है अपनी गाइस, कौन सी बाइक है, ये है स्प्लेंडर, लेकिन जगह देखो गौर से, क्या आपको पता चल रही है जगह कौन सी है? भाई मेरे को तो पता है। एंड गाइस आप यहाँ पर वीडियो को चलने दो और मैं आपको बताने ना जगह, बिल्कुल जगह पर जाने के बाद ही आपको बताऊंगा, तो आप जो भी वीडियो को देख रहा है तो कॉमेंट में बताओ ये कौन सी जगह है। चलो मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ, सबसे पहला जुरासिक पार्क या फिर पेट्रोल पंप, सेकंड ऑप्शन पेट्रोल पंप या फिर थर्ड ऑप्शन ओल्ड हाउस, तो ये तीन ऑप्शन है, बताओ कौन सी जगह है वो भाई, मैं अभी आपको लेकर तो जाने वाला हूँ और तीनों इसी साइड आती है जिस साइड में जा रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना कौन सी जगह थी और जिसने पहले कमेंट कर दिया उसका कमेंट पिन हो जाएगा, ठीक है भाई, तो बता देना कमेंट में जल्दी से। तो चलिए गाइस अभी मैं उसी साइड जा रहा हूँ। एंड मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी ZX10R के अंदर, इसके अंदर स्पीडोमीटर वर्क नहीं करता भाई, लिटरली भाई 18-20 लाख की गाड़ी है लेकिन इतनी सी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते भाई, स्पीडोमीटर वर्क करना चाहिए था भाई, एक नॉर्मल सी स्कूटी के अंदर वर्क करा था भाई, ये भाई ये क्यों यहाँ पर भाई, बाइक देखो कहाँ पर गई सीधी भाई, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन थोड़ी सी विमल पान मसाला इसने थूक दिया और अपने कुछ ज़्यादा हेल्थ वेल्थ गई नहीं। वेल गाइस अभी तो हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके, ऑलमोस्ट क्या भाई पहुँच चुके, ये था ओल्ड हाउस, तो जिसने भी कमेंट किया होगा पहले उसका कमेंट ऑलरेडी पिन हो चुका होगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आप आगे फ्यूचर में काफ़ी मस्त वीडियोस आने वाले। एंड गाइस इसी टाइप का हमने कल भी वीडियो डाला था, वो भी आप चेक कर लेना इसके बाद। खैर अभी यहाँ पर देखते किस वाले हाउस के अंदर, इस वाले में तो नहीं है। एंड भाई वो तो भाई बाथरूम के अंदर ही, भाई बाथरूम के अंदर कौन बाइक छुपाता है भाई, ये देखो भाई यहाँ पर स्प्लेंडर सीधे बाथरूम के अंदर छुपा रखी है। एंड चलो भाई ऊपर से लेकर इसको नीचे जाना पड़ेगा अभी जल्दी से। एंड चलो भाई यहाँ पर वैसे बाइक ऊपर कैसे लाएगा भाई, इतनी ज़्यादा हार्ड है, मतलब यहाँ से नीचे ले जाने में अपने को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लाइक ये देखो भाई
टर्न भी नहीं हो रही सही से, लेकिन ऊपर वो भी बाथरूम के अंदर घुसा रखी बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से, देखो भाई। तो अरे भाई ये टकराना नहीं है, बिल्कुल सेफ प्ले करना अपने को। तो चली गई, सभी हम चलते नेक्स्ट बाइक कौन सी हो सकती है भाई, लेट्स गो। ये ही अपनी गाइस, अबे ये तो जेट है, वैसे ये भी बाइक एक टाइप से देखा जाए तो। खैर गाइस जो भी हो इसको अभी ढूंढना अपने को, लेकिन ये लोकेशन गाइस, ये कौन सी लोकेशन है गाइस, मेरे को जहां तक लग रहा है ये जुरासिक पार्क के आसपास में ये, लेकिन उसके पास में चारों तरफ रोड है, तो वो किस साइड का रोड है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ट्राई करते हैं भाई, मिल ही जाएगा भाई, इतनी सारी चीज़ें ढूंढ ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात, टकराना नहीं है, बिल्कुल सेफ चलाना अपने को। एंड गाइस आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो इस वीडियो पर लाइक है मैं 2000 लाइक्स का, प्लीज़ करवा देना और कॉमेंट कर दो जो भी मैंने पहले पूछा है वो, और सब्सक्राइब भी कर देना। खैर गाइस अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ जुरासिक पार्क के यहाँ पर, इस वाले रोड पर जहाँ पर ऑलमोस्ट अपने को ज़्यादातर बाइक्स मतलब इसी टाइप से मिलती थी। एंड लाइक यही मेरे को लग रहा है, पीछे जाली थी और सामने रोड था, और शायद से यही होना चाहिए। अभी वेट करते हैं, इसको पूरा एक्सप्लोर करने आगे तक जाएंगे। एंड आप देख रहे हो भाई स्पीडोमीटर देखो एक बार इसका, भाई इसमें बिल्कुल वाहियात है लिटरली भाई। थोड़ी भी यहाँ पर आप देखो स्पीडोमीटर के अंदर वो नंबर्स तक नहीं है, लेकिन उसके कांटे ऊपर नीचे हो रहे, मतलब वो चल रहे हैं, अलग ही सिस्टम है। तो चले गए इस यहाँ पर, देखते हैं अभी कहाँ तक अपने को कार नहीं बाइक मिलती है। एंड वेल गाइस बाइक तो अपने जस्ट सामने में, अभी जस्ट यहाँ पर टर्न मार कर पीछे जाने वाला था, लेकिन फिर मेरे को दिख चुकी थी सीधी यहाँ पर, तो अभी हम यहीं से इसको लेकर चलते हैं। एंड भाई ये है सीधा जेड, भाई जिसको चीट कोड नहीं पता 320 और 331 इनके चीट कोड है, आप ट्राई कर सकते हो। तो चलो गाइस यहाँ पर चलते इसको लेते, और नेक्स्ट है निंजा H2R, लेकिन ये किसी बिल्डिंग के ऊपर मेरे को लग रहा है भाई, बिल्डिंग इस टाइप की बिल्डिंग, भाई मेरे को पता है ये बिल्डिंग कहाँ पर है, ये भी इजी होगा शायद, आई होप भाई। इस टाइप की बिल्डिंग ना टोटल 3-4 बिल्डिंग्स है शायद, तो उन्हीं में से किसी एक में होनी चाहिए, और अपने को जाना पड़ेगा सिटी के अंदर। एंड गाइस अभी अब जुरासिक पार्क के ऊपर से होते हुए जाते, एंड क्या यहाँ पर अपने को डायनासोर मिलेगा गाइस, लास्ट एपिसोड हमने देखो डायनासोर को मस्त तरीके से मारा था, उसमें हमने कार्स ढूंढी थी काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त, मॉडिफाइड सुपरा वगैरह काफ़ी मस्त, तो आपने वो नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हो इसके बाद में। और गाइस हमने स्टेयरिंग व्हील परचेस कर लिया, उसका व्लॉग भी मैंने बनाया था आई कार्ड में, लिंक मिल जाएगा उसको भी देखना, उससे हम जल्द ही फोर्ज़ा होराइज़न 5 भी खेलेंगे और मस्त मस्त गेम्स खेलेंगे। खैर गाइस एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, आप लेफ्ट साइड में देखो वो थोर का हथौड़ा होता है ना, उस टाइप का नहीं लग रहा, लेफ्ट जिसने ये पकड़ रखा है ये देखो भाई सेम वैसे लग रहा है। एंड यहाँ से अगर गन पकड़े, हम गन भी ले सकते हैं देखो इसमें उड़ाते टाइम मतलब, लेकिन हम चला नहीं सकते, ऐसा होता चला सकते तो उड़ते उड़ते मस्त लोगों को मारते फुल बिंदास, आसमान से RPG चलाते भाई सच में वो मस्त होता, लेकिन खैर हम यहाँ पर इस टाइप से गन तो ले सकते लेकिन उनको चला नहीं सकते उड़ाते उड़ाते। खैर कोई बात नहीं गाइस, अभी जो गाइस मैं बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ 3-4 बिल्डिंग्स, वो ये सबसे बड़ी तो ये वाली, लेकिन इसमें मेरे को नहीं लगता आसपास में नहीं इसमें नहीं होंगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये सामने 2-3 बिल्डिंग है ना, इन्हीं में से किसी एक में होंगी। तो लेट्स गो कौन सी वाली ये, ओके सामने वाली मेरे को शक हो रहा है कि इसमें हो सकता है, यहाँ पर चेक कर लेता भाई, यहाँ पर नहीं भाई, वो थोड़ी सी इस टाइप की जगह थी, ऊपर पिलर्स भी थे थोड़े बहुत और बीच में कुछ स्पेस था, तो देखते भाई ढूंढने पर तो बहुत कुछ मिल सकता है। एंड भाई मिल भी गया, मिल सकता क्या, ये देखो भाई जस्ट इस वाली बिल्डिंग के ऊपर, मतलब प्रॉपर ऊपर भी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है ना, यहाँ पर रख रखिए भाई, अलग ही क्रिएटिविटी लगा रखिए। खैर अभी अंदर आ चुके भाई इस बिल्डिंग के डायरेक्ट, लेकिन हमने अंदर थोड़ी जाना, बाहर चलते बाइक को लेते निंजा H2R। एंड गाइस क्या आपको पता है इसकी प्राइसिंग कितनी है, भाई मैंने भी सर्च किया था 80 से 90 लाख, भाई 90 लाख इस बाइक की, भाई ऐसा क्या है भाई मेरे को समझ नहीं आता। खैर गाइस चलते अभी भाई, निंजा H2R इसीलिए तो फेमस है। वेल गाइस देखते R15 नेक्स्ट बाइक है अपनी, एंड ये नॉर्मल सा रोड है, ऊपर आसमान है और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आपने देखा होगा ग्रीन एरिया है, तो भाई पहली बात तो ये अपना सिटी के अंदर तो नहीं, ये एक बात यहाँ पर कंफर्म हो चुकी, और जैसा देखने में लग रहा है वो जुरासिक पार्क के साइड में भी नहीं होने वाला है, तो ये मेरे को लग रहा है बीच की साइड हो सकता है या फिर कुछ एम्प्टी खाली रोड होगा वहीं पर ये हो सकता है। तो ये 3 हिंट मिले, देखते अभी कहाँ तक, तो मेरे अभी लेफ्ट में जाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ इसी टाइप का मेरे को लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल एम्प्टी रोड है आसपास और तो और व्हीकल्स भी नहीं दिख रहे, तो उस साइड हम जाएंगे तो उस साइड का व्हीकल्स भी काफ़ी कम स्पॉन होते हैं, आपको जो ज़्यादा इंडियन बाइक खेलता है उसको पता ही होगा। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं यहाँ पर इसी साइड, अभी यहाँ से यहाँ नहीं भाई ये वाला रोड तो मेरे को लगता है यहाँ पर आगे, यहाँ पर पेड़ पौधे भी पीछे की साइड, तो अभी लेफ्ट राइट की साइड चलते पहले, एंड इस साइड देख लेंगे, नहीं तो फिर भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैप पे टाइम ज़्यादा लगने वाला शायद, लेकिन ट्राई करेंगे भाई सब कुछ मिल जाएगा। लेट्स गो यहाँ पर देखते कहाँ पर होने वाला है अपना। एंड भाई यहाँ पर जस्ट आगे देखने को मिल रही शायद बाइक,
अबे यस ये देखो भाई यही तो था। तो चलिए भाई अभी इसको लेते जल्दी से R15 को। एंड देखो भाई 90 लाख की बाइक निंजा स्टोर को छोड़कर हम अभी तीन चार लाख की बाइक को लेने वाले। खैर क्या ही कर सकते हैं, अभी इसके बाद क्या पता कोई 1 करोड़ की बाइक आ जाए। खैर वो तो अभी आगे पता चलने वाला, देखते हैं वो कौन सी बाइक है। ऑल राइट ये बाइक है गाइस, ये मेरे को पता है कौन सी बाइक है, लेकिन मैं सीधा आपको वहीं पर चलकर ही दिखाना होगा। इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो चलो मैं एक बार फिर से आपको हिंट देता हूँ। चलो तो एक तो सबसे पहले इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसके बाद इसकी आवाज़ नॉर्मल बाइक से थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसको ज़्यादातर मतलब क्लासिक बाइक है एक टाइप से। तो ये तीन इस टाइप से मैं जैसे चला रहा हूँ, इस टाइप की बाइक नहीं है। तो ये तीन मैंने ऑप्शन दिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में गेस करके बताना कौन सी हो सकती है। क्या अभी मैं आपको जस्ट 1 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलते एंड गाइस ये किस जगह पर, चलो जगह मैं आपको दिखा दी। ये थी अपनी अपने जोरासी पार्क में, एयरपोर्ट के अंदर जो मिलता है ना अपने को पार्किंग एरिया, वहाँ पर थी ये। तो चलो चलते जल्दी से, एंड क्या जालियों के आर पर हम जा पाएंगे, काश हो जा। अरे भाई ये तो टकरा गया भाई, वेट ये तो सीधी उड़ने लगी भाई बाइक। भाई मैंने जैसे जालियों के ऊपर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, ये डायरेक्ट ऊपर उड़ गई भाई, ये अलग ही सिस्टम था। एंड ये तो चलो सही भाई, ऊपर उड़ते डायरेक्ट हम अंदर आ चुके, नहीं तो उस साइड से आना पड़ता काफ़ी ज़्यादा घूम फिर कर। तो चलो कोई बात नहीं, अभी चलते आगे। एंड गाइस आपने को यहाँ पर आगे भाई, अभी कहाँ पर गया वो पार्किंग, ओके भाई स्पोन नहीं हुआ था यहाँ पर, रेंडर नहीं हो रहा था, लेकिन रेंडर हो चुका। अभी इसके ऊपर ही होने वाले, इसके टोटल 3 से 4 फ्लोर है। अभी कौन सा वाला फ्लोर है वो तो अभी अपने को अंदर चलकर ही पता चलने वाला है, देखते कौन सा होने वाला है। एंड चलिए चलते, ओके इस साइड से ऊपर जाना होगा अपने को, लेट्स गो। एंड वैसे देखा जाए तो इसके अंदर हमने टोटल अभी ये 6th बाइक होने वाली, शायद 5 बाइक हमने ऑलरेडी यहाँ पर ढूंढ लिए। चलो सही है भाई, तो चलिए भाई अभी इसमें ना एक मस्त चीज़ है, हमें ब्रेक लगाकर अगर टर्न करते। और भाई ये क्या था भाई, ही घटिया ड्राइविंग लिटरली भाई, एकदम ज़्यादा ही टर्न ले लिया। मैं जैसा बोल रहा था ये ब्रेक प्रेस करके हम टर्न लेते तो काफ़ी शार्प टर्न हो जाता। खैर गाइस अभी नीचे से फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली, तो मैं जल्दी से वीडियो को कर देता हूँ बिल्कुल ही फास्ट, सुपर फास्ट, ताकि जल्दी जल्दी हम ऊपर पहुँच जाए। अभी हम दूसरे फ्लोर पर आ चुके, ये है अपना 3rd फ्लोर, एंड आई थिंक यहाँ पर ये लास्ट ऊपर वाला फ्लोर होने वाला है। चलिए भाई ये है अपना लास्ट ऊपर वाला फ्लोर, अभी इतने फ्लोर में नहीं मिली, ओब्वियसली यहीं पर होने वाली है। एंड ये है जी हाँ रॉयल एनफील्ड गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंडिया में मतलब फेमस है देखा जाए। एंड इसका साउंड भी आपको पता होगा बिल्कुल ही डो 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 अलग ही टाइप का साउंड है। एंड ये थी गाइस रॉयल एनफील्ड। तो गाइस हमने सारी बाइक्स को ढूंढ लिया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और इसी टाइप से हमने कार्स को भी ढूंढा था, आप पिछला वीडियो देख सो तो। और आपको देखना हमारा फर्स्ट व्लॉग जिसमें हमने अनबॉक्स किया था अपना स्टीयरिंग व्हील राइट साइड का वीडियो, चेक कर सो तो। और जल्द ही फोर्ज़ा होराइज़न 5 का इससे वीडियो आने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।